हरे कृष्णा। तो अभी हम सब यहाँ पर उडुपी धाम में आए हैं, जो कि कर्नाटका और केरल के बॉर्डर में है। और ये जो उडुपी जो पूरा क्षेत्र है और उससे जुड़े हुए जो अलग अलग क्षेत्र हैं, उनको परशुराम क्षेत्र भी कहा जाता है। तो भगवान परशुराम जी भी इस क्षेत्र में स्वयं उपस्थित हैं। तो ये जो क्षेत्र है बहुत ही विशेष है, बहुत ही अलौकिक है, और इसमें कई महान भक्त, कई महान आचार्य यहाँ पर आए हैं। तो ये मध्वाचार्य जो कि हमारे संप्रदाय के संप्रदाय आचार्य हैं, जिन्होंने पूरे संप्रदाय को एक स्थापित किया है, उसको एक दिशा निर्देशन दिया है, उनका भी ये प्राकट्य स्थली। तो मध्वाचार्य स्वयं वायुदेव के अवतार हैं, जो त्रेता युग में हनुमान जी हैं, द्वापर में भीमसेन हैं और कलयुग में मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य यहाँ पर कैसे आए, उनका प्राकट्य कैसे हुआ, वो हम चर्चा करेंगे आगे चलकर। तो जो भगवान परशुराम हैं, उनका एक विशेष उद्देश्य था कि पृथ्वी पर, पूरे भारतवर्ष पर जो क्षत्रिय शासक हैं, उन्होंने अपना जो राजतंत्र का गलत उपयोग किया, और राजतंत्र का गलत उपयोग करने के कारण वो प्रजा का शोषण करने लगे और अधार्मिक तरीके से राज्य को चलाने लगे। तो भगवान का जो अवतार है वो अवश्यंभावी हो गया, और परशुराम जी आते हैं और वो इस पूरे पृथ्वी को जो अधार्मिक क्षत्रिय हैं उनसे मुक्त कराने के लिए क्षत्रियों को कितनी बार, 21 बार खदेड़ देते हैं, 21 बार क्षत्रियों से खाली कर देते हैं, है ना। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो होते हैं विजनरी, वो दिशा निर्देशन देते हैं, और क्षत्रिय होते हैं वो होते हैं एग्जीक्यूटर्स, जो दिशा मिली है उसको अभी क्या करना है, उसका क्रियान्वयन करना है। तो अगर क्षत्रिय ब्राह्मणों के द्वारा गाइडेड नहीं है, है ना, और अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो भगवान स्वयं आते हैं ऐसे उस धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए। तो परशुराम जी ने 21 बार पूरे पृथ्वी को क्षत्रिय से खाली कर दिया, और उस पृथ्वी को उन्होंने कश्यप मुनि को दान में दे दिया, है ना, क्योंकि वो स्वयं तो अपने पास नहीं रखेंगे, कश्यप मुनि को दान में दे दिया। तो कश्यप मुनि को दान में देने के पश्चात वो विचार करने लगे कि अभी मैं कहाँ पर रहूंगा, मेरे तो कोई स्थान नहीं है, है ना, मैंने तो उसको दान में दे दिया है। तो परशुराम जी जो होते हैं, जो सागर समुद्र है ना, जो वरुण वरुण जो, उनको आदेश देते हैं कि मैं अपना तीर छोड़ूंगा, बाण छोड़ूंगा, और जहाँ ये तीर गिरेगा उससे आगे जो समुद्र है ना, वो समुद्र पीछे हट जाए, मतलब वो जहाँ पर तीर गिरा है उसके आगे की जो भूमि है उसको समुद्र देव क्या है, खाली कर दे। तो जो परशुराम जी होते हैं अपने फरसे को घुमाते हैं और तीर की तरह इस क्षेत्र में यहाँ पर फेंकते हैं, और फेंकने के पश्चात क्या होता है कि उसके जो आगे का, जो तीर के आगे का समुद्र होता है वो पीछे चला जाता है ना। तो ऐसा बताया जाता है जो भूमि देवी है, तो भूमि देवी की जो ये है थाई जांग है ना, वो ये पूरा ये क्षेत्र है जो ये परशुराम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और महाराष्ट्र में नासिक से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक का ये क्षेत्र पूरा परशुराम क्षेत्र कहलाता है ना। और इस क्षेत्र के बारे में एक कृष्ण अवधूत जो है, उन्होंने अपने मंदार मंद चंपू में लिखा है कि इस अद्भुत धाम की संरचना करने के लिए जो परशुराम जी ने अपना फरसा फेंका, तो समुद्र देव तो पीछे हो गए, उन्होंने अपना क्षेत्र दे दिया, साथ ही समुद्र में बहुत सारे असुर छुपे हुए थे, तो उन असुरों को भी परशुराम जी ने मार दिया। और तो इस परशुराम क्षेत्र में कई क्षेत्र सम्मिलित हैं, जैसे कि बताया गया है कि 7 प्रमुख क्षेत्र हैं, और ये पश्चिमी भाग है भारत का, क्या है ये, पश्चिमी भाग, पश्चिमी तट है, वेस्ट कोस्ट कहलाता है।
तो ये जो वेस्ट कोस्ट है, ये जो पूरा जो कोस्टल एरिया है ना, जो हम कल ट्रेन से आए, तो ये पूरा एरिया का है परशुराम क्षेत्र। तो इसमें 7 पवित्र स्थान है, रजत पीठ जो उडुपी के नाम से है, फिर कुमाराद्री, सुब्रमण्यम, कुभांसी, ध्वजेश्वर, क्रोण, गोकर्ण तथा कोम्बाकी का, ये सब मिलके परशुराम क्षेत्र को बनाते हैं। लेकिन उनमें से सबसे जो प्रमुख है वो रजत पीठपुर है। अभी हमने दर्शन किए थे कृष्णा मठ, तो वहां पे लिखा था रजत पीठपुर, किन्हीं ने अगर ध्यान से वहां देखा हो, रजत पीठ कहलाती, रजत मतलब चांदी और पीठ मतलब जहां पे वो स्थापित है, जहां पे चांदी स्थापित है, इसीलिए इसको बोलते हैं रजत पीठ, है ना। तो उडुपी जो है उसका नाम उडुपी क्यों पड़ा, कि उड़ू मतलब क्या होता है, नक्षत्र, है ना, और उड़ुपा मतलब क्या होता है, नक्षत्रों का राजा, जिसको बोलते हैं चंद्र। तो उड़ू मतलब नक्षत्र और उड़ुपा मतलब नक्षत्रों का ईश राजा, जो कौन है, चंद्रदेव। तो चंद्रदेव ने यहाँ पे आके तपस्या किया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, उड़ुपी, ठीक है। और जो तुलु भाषा है, यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसको तुलु, तो तुलु भाषा में से ओडुपी बोला जाता है, ओडुपी, है ना। तो यहाँ पर शिव जी का निवास स्थान है, परशुराम जी का निवास स्थान है ना। और बताया गया है कि नारायण भट्टाचार्य अपनी कृति भाव प्रकाशिका में लिखते हैं, इस प्रकार ओडुपी ही उडुपी का वास्तविक नाम होना चाहिए, क्योंकि रजत पीठ का पर्यायवाची है, यह स्थान भी रजत पीठ कहलाता है। कुछ लोग इसे शिवाली भी बोलते हैं, इस क्षेत्र को शिवाली, क्योंकि शिव जी का गांव है ना। और कुछ लोग बोलते हैं कि शिव जी, क्योंकि यहाँ पर चांदी पर, चांदी की बेल, बेल पत्थर होती है, उस पर स्थित हैं, तो भी इसको शिवाली बोला जाता है, और या उसको शिव रूपी भी बोला जाता है, इस क्षेत्र को शिवाली या शिव रूपी, क्योंकि शिव जी अपने गांव में चांदी की बेल पर स्वयं यहाँ पर स्थित हैं। तो अभी हम देखते हैं, तो सबसे पहले जो ट्रेडिशन है, चंद्रमौलेश्वर मंदिर में सबसे पहले जाते हैं, फिर अनंतेश्वर मंदिर में आते हैं, और उसके पश्चात उडुपी कृष्ण उनके दर्शन करते हैं, ऐसा ये ट्रेडिशन है। और यहाँ पर जो पर्याय होता है, पर्याय मतलब हर 2 साल में 8 मठ हैं, अष्टमठ, तो 2 साल में एक जो मठ होता है वो उडुपी कृष्ण उनकी सेवा को देख रेख करते हैं, फिर दूसरा मठ है वो 2 वर्ष के लिए करते हैं। तो जो पर्याय स्वामी होते हैं, जो उडुपी कृष्ण की पूजा करने जाते हैं सुबह सुबह, तो सबसे पहले चंद्रमौलेश्वर के दर्शन करते हैं, उसके बाद अनंतेश्वर जो हमें बैठे हुए हैं के दर्शन करते हैं, और फिर उडुपी कृष्ण के पास में जाते हैं। तो चंद्रमौलेश्वर मंदिर जो है यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर, सबसे सबसे पुराना मंदिर है वो चंद्रमौलेश्वर है। और वहां पर जो चंद्रेश्वर जो बने हुए हैं, शिवलिंग बने हुए हैं, वो किससे बने हुए, स्फटिक से बने हुए। और हमने देखा होगा कि जब हम गए हैं चंद्रमौलेश्वर मंदिर में, तो नीचे उतरना पड़ा, है ना। तो वास्तव में वहां पर एक कुंड था, है ना, अभी उसने कुंड ने मंदिर का स्थान ले लिया। तो चंद्रमौलेश्वर मंदिर जो है वो थोड़ा सा नीचे है, अनंतेश्वर मंदिर क्या है, थोड़ा सा ऊपर है, और उडुपी कृष्ण मंदिर क्या है, वो पृथ्वी के एकदम समतल पर है। तो अनंतेश्वर मंदिर है, फिर उडुपी कृष्ण मंदिर है, और सबसे फिर चंद्रमौलेश्वर मंदिर है। तो ये सुमध्य विजय जो है उस ग्रंथ में बताया गया है कि इसको मोड़ू देवालय भी बोलते हैं, महेंद्र देवालय, मोड़ू देवालय मतलब पूर्वी देवालय, पूर्वी मंदिर। तो पूर्वी मंदिर है और ये पश्चिमी मंदिर है, अनंतेश्वर पश्चिमी है और वो पूर्वी मंदिर है। और बताया गया है कि सुमध्य विजय में विश्व तीर्थ बताते हैं कि उडुपी में 2 मंदिर हैं, पूर्वी और पश्चिमी। तो सबसे पहले हम भगवान शिव को प्रणाम करते हैं वहां पर, और उसके पश्चात में आके यहाँ जो परशुराम जी है, अनंतेश्वर जो है शिवलिंग का रूप है, लेकिन ये परशुराम जी स्वयं है, क्योंकि परशुराम जी ने जब यहाँ पर, है ना, समुद्र देव को आह्वान करके पीछे कर दिया था, तो परशुराम जी यहाँ पर रुके थे, और शिव जी के मार्ग निर्देशन में वो सब ध्यान करते थे, साधना करते थे, है ना।
तो उनके स्मरण में वो जो शिवलिंग यहाँ बना उसमें परशुराम जी खुद अंदर चले जाते हैं। तो वास्तव में ये दिखने में शिवलिंग है लेकिन स्वयं कौन है? परशुराम जी। तो सबसे पहले जो वैष्णव है उनको प्रणाम करते हैं, उसके बाद जो हरि है उनको प्रणाम करते हैं, पहले हर और फिर हरि, इसीलिए ये क्रम है। ओके, तो ये पवित्र स्थान जो है वो कैसे उड़ुपी हो गया? तो पुराणों में बताया गया है कि 27 नक्षत्र है ना के साथ चंद्रदेव ने विवाह किया है ना। तो जो 27 नक्षत्र थे वो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी, अलग अलग पुत्रियां थी है ना। तो जो चंद्रदेव थे उनका सभी नक्षत्रों में से जो रोहिणी थी उनके प्रति विशेष लगाव था, विशेष झुकाव था। तो अन्य जो उनकी पत्नियां होती हैं चंद्रदेव की, वो दक्ष प्रजापति के पास में जाकर शिकायत करती हैं कि ये तो हम पे ध्यान ही नहीं देते हैं है ना, के बाद जो रोहिणी है उनके पास ही रहते हैं। तो दक्ष प्रजापति क्या करते हैं, उनको श्राप दे देते हैं है ना। तो दक्ष प्रजापति श्राप देने में एक्सपर्ट है ना, गुस्सा करने में एक्सपर्ट है ना। थोड़ा सा मिथ्या अहंकार को समस्या हो गई तो श्राप दे देते हैं। तो हम देखते हैं कि दक्ष प्रजापति इतनी पुण्यशाली स्थिति में है, प्रजापति हैं जिनके द्वारा सारी प्रजा उत्पन्न होना है, लेकिन फिर भी क्या है, उनके अंदर भौतिक कल्मश है। और बोलते हैं कि चंद्रदेव का जितना भी तेज है वो सब तेजहीन हो जाएंगे, कांतिहीन हो जाएंगे, किसी भी तरह का उनमें कांति नहीं बचेगी। तो चंद्रदेव क्या होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं है ना, और यहाँ पर पास में एक वन है अभ्यारण है ना, वहां पर वो तपस्या करना चालू करते हैं। अभी वो वन तो नहीं है, वन तो चला गया है। तो चंद्रदेव जो तपस्या करते हैं तो उन तपस्या से प्रसन्न होकर जो शिव जी हैं उनको दर्शन प्रदान करते हैं, और जो दर्शन प्रदान करते हैं वो है चंद्रमौलेश्वर मंदिर है ना, चंद्रमौलेश्वर। जैसे शिव जी के यहाँ चंद्रमा अपने सिर पर क्या होते हैं, चंद्रमा धारण किए होते हैं, तो उस तरह से वो चंद्रमा धारण किए हुए। और इस घटना को स्थापित करने के लिए शिव जी जो है स्वयं कुंड में प्रकट हुए, और कुंड में शिव जी थे तो कुंड धीरे धीरे पानी कम होता गया, अभी वहां पर चंद्र पुष्करणी बची हुई है। एक कुआ था चंद्रमौलेश्वर मंदिर के पास में, कुआ था तो वो चंद्र पुष्करणी है, तो उतना ही बचा हुआ है, और शिवलिंग वहां विद्यमान है वो चंद्रमौलेश्वर। तो वैष्णव वैष्णवा नाम यथासंभव, इस तरह से ये सबसे पुराना मंदिर है। और जैसे परशुराम जी ने अपने जो एक तरह से गुरु शिव जी के स्मरण में, क्योंकि उन्होंने उनसे सीख कर यहाँ तपस्या किया, इसीलिए उन्होंने शिव जी का रूप लिया है ना। जैसे यहाँ से कुछ दूर जगह है धर्म स्थल, वहां पर शिवलिंग है ना। तो जो वादीराज तीर्थ हैं उन्होंने ऐसे सिस्टम बनाया कि जो मध्व संप्रदाय के ब्राह्मण हैं वो धर्म स्थल में जाके वहाँ के शिवलिंग की पूजा किया करेंगे। तो जो मध्व संप्रदाय के भक्त हैं वो शिवलिंग को किस तरह से देखते हैं, हृदय में जो परमात्मा रूप होता है, चतुर्भुज रूप होता है, उन्होंने शिवलिंग का रूप धारण किया। तो इस तरह से वो शिवलिंग की पूजा कैसे करते हैं, हृदय में स्थित जो परमात्मा है क्षीरोदक्षाय विष्णु है उनकी तरह पूजा करते हैं। उसी तरह ये हम सबके लिए क्या है, स्वयं परशुराम जी। फिर हम देखते हैं कि अनंतेश्वर मंदिर है ना। तो परशुराम जी ने जब समुद्र देव को पीछे कर दिया, तो जब भूमि बनी तो वहां पर एक थे राजा राम भोज। राजा राम भोज को इस क्षेत्र का वो बना दिया कि आप इस क्षेत्र का संरक्षण कीजिएगा। तो राजा राम भोज इस क्षेत्र को विकसित कर रहे थे, तो एक बार जब उनके लोग होते हैं तो वो एक ऐसे फावड़ा या कुछ ऐसे औजार चलाते हैं तो एक सांप की मृत्यु हो जाती है। और सांप वास्तव में वो कौन था, एक असुर था वो है ना। तो वो सांप की मृत्यु होती है तो ऐसे कुछ हत्या का पाप नहीं लगा है, लेकिन जो राजा राम भोज होते हैं वो उसके पश्चाताप के लिए क्या करते हैं, जो ये पूरा गांव था वहां पर एक स्वर्ण की पीठ बनाते हैं, चांदी की एक पीठ बनाते हैं, और चांदी की पीठ के ऊपर एक सोने का सिंहासन बनाते हैं, और सोने के सिंहासन ऊपर परशुराम जी स्वयं बैठ जाते हैं। और परशुराम जी स्वयं बैठकर फिर अपने उपदेश देते हैं राजा राम भोज को। तो
कुछ समय के बाद क्या होती है कि सोने की जो पीठ होती है वो जमीन में धस जाती है, सिंहासन केवल रहता है, और वहां पर जो परशुराम जी बैठकर उपदेश सुना रहे थे वो परशुराम जी क्या करते हैं, शिवलिंग का रूप धारण कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए रजत पीठ है, सोना सॉरी चांदी नीचे जा चुका है, और फिर सिंहासन है और उस पर परशुराम जी विद्यमान, इसीलिए ये दोस्त तो शिव जी हैं और विष्णु हैं। तो भगवान अपने भक्त के पीछे, वो पूर्वी मंदिर है और ये पश्चिमी मंदिर, भगवान अपने भक्तों के पीछे, इस तरह से बताया गया, और इसलिए इसको रजत पीठ भी कहा जाता है। और अनंत शेषवर मंदिर ही ऐसा मंदिर है जहां पर जो मध्वाचार्य के माता पिता जो का जो भूमिका निभाएंगे मद्दोगे और वेदवती, वो 12 साल तक अनंत शेषवर मंदिर में यहाँ पर आते थे, आराधना करते थे, व्रत करते थे, कहाँ से पाजक क्षेत्र से रोज यहाँ पर अनंत शेषवर में मंदिर में यहाँ पर दर्शन करने आते थे। ओके, तो यहाँ पर श्रीपाद मध्वाचार्य का अप्राकट स्थल भी है, तिरुभाव स्थल भी है। तो एक बार मध्वाचार्य यहाँ पर बैठे हुए थे, है ना, अपने शिष्यों के साथ में, और ऐत्रेय उपनिषद पर वो उनका जो सबसे फेवरेट उपनिषद है वो ऐत्रेय उपनिषद, तो उस पर वो व्याख्यान दे रहे थे, और व्याख्यान को सुनने के लिए स्वर्ग के जो देवी देवता हैं वो भी उस व्याख्यान को सुनने आए थे। और व्याख्यान देते हुए उन्होंने बहुत सारे पुष्पों की, है ना, पारिज मंदार और पारिजत पुष्पों की वर्षा किया, और वर्षा होने के बाद उनका जो पूरा शरीर था, पूरा दिव्य शरीर था, वो पुष्पों से ढक गया। और पुष्पों से ढकने के बाद जब उन्होंने व्याख्यान समाप्त किया तो भक्तों ने उन पुष्पों को हटाया, और जब उन्होंने पुष्पों को हटाया तो मध्वाचार्य वहां से अदृश्य हो चुके थे, है ना। इसीलिए मध्वाचार्य क्या है, उनकी कोई समाधि नहीं है, वो यहाँ से अदृश्य हो गए थे। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप सबने पढ़ा होगा कि अदृश्यो रूपे पीठेस्थी दृश्यते बद्री तटे, कि श्रीपाद मध्वाचार्य हैं जो उडुपी में है, जो रजत पीठ है वहां पर अदृश्य रूप में अभी भी उपस्थित है ना, और प्रकट रूप में बद्रिकाश्रम में। और प्रकट रूप में बद्रिकाश्रम में क्या कर रहे हैं, अपने जो गुरु हैं व्यास देव जी के साथ वहां पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो अलग अलग कौन है, चिरंजीवी है, जैसे अश्वत्थामा है, बलि महाराज है, व्यास देव हैं, हनुमान जी हैं, विभीषण हैं, कृपाचार्य हैं, और फिर मध्वाचार्य। तो जब वैवत्स मनु का कार्यकाल समाप्त होगा तो सब अपने अपने स्थिति पर चले जाएंगे। तो मध्वाचार्य जो हैं, जब वैवत्स मनु का कालांतर पूरा होने होगा तब तो वो द्वारा जाएंगे और वायुदेव के रूप में चले जाएंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि उनके एक शिष्य थे त्रिविक्रम आचार्य, तो त्रिविक्रम आचार्य बहुत बड़े मायावादी थे, बहुत बड़े मायावादी थे, और उनको मध्वाचार्य ने वाद विवाद में उनको डिफीट करके वैष्णव बनाया था, है ना। तो उनके बहुत ही अंतरंग पार्षद भी थे त्रिविक्रम आचार्य। तो एक बार मध्वाचार्य जो है उडुपी कृष्ण के अंदर आराधना कर रहे थे, उपचार कर रहे थे, है ना, अभिषेक कर रहे थे, तो उसमें बहुत विलंब हो गया। अब विलंब होने के बाद क्या हुआ कि त्रिविक्रम आचार्य ने क्या किया, पर्दा खोला, और पर्दा खोलने के पश्चात उनको एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसको देख के वो अचंभित हो गए। और उनको क्या दृश्य दिखाई दिया कि भगवान राम खड़े हुए हैं और हनुमान जी उनको प्रणाम कर रहे हैं, भगवान कृष्ण खड़े हुए हैं और भीमसेन उनको प्रणाम कर रहे हैं, और व्यास देव जी खड़े हुए हैं और उनको जो मध्वाचार्य वो प्रणाम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो हनुमान जी हैं और जो भीमसेन है और जो मध्वाचार्य, उनमें कोई भी अंतर नहीं है, भगवान राम कृष्ण और व्यास देव उनमें कोई भी अंतर नहीं है। ये उन्होंने त्रिविक्रम आचार्य को इस तरह से उन्होंने दर्शन प्रदान किए। फिर इसमें बताया गया है कि जो उडुपी कृष्ण मंदिर है वो श्रीपाद मध्वाचार्य ने 1278 में बनवाया था, है ना। तो ये जो मंदिर है हम देखेंगे कि ये अर्ध गोलाकार है, ये अर्ध गोलाकार देख रहे हैं मंदिर इस तरह से, और वो जो मंदिर है उडुपी कृष्ण मंदिर है वो रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगुलर आयताकार शेप में है ना, पगोड़ा पगोड़ा शेप में है।
ऐसे गोपुरम नहीं है ना, या फिर वो मंदिर का जो शिखर होता है उस तरह से नहीं, एक ऐसा है पगोड़ा फॉर्म में है। तो यहाँ की ऐसी वास्तुलिपि है ना। और हमने जैसे मध्य सरोवर में गए थे, तो मध्य सरोवर के बारे में आता है कि एक सुमध्य विजय ग्रंथ है, उसमें जो मध्वाचार्य होते हैं अपने गुरु अच्युत प्रेक्ष से पूछते हैं कि मुझे काशी जाके बनारस जाकर मुझे स्नान करना है, गंगा में स्नान करना है। तो अच्युत प्रेक्ष क्या होते हैं, उनको आदेश दे देते हैं कि आप जाइए और स्नान कर कीजिए। तो बाद में अच्युत प्रेक्ष सोचते हैं कि मेरा जो शिष्य है, इतना प्रिय शिष्य है, वो मुझसे दूर जाएंगे, है ना, तो उनको बहुत दुख होता है। तो बोलते हैं कि आप 3 दिन प्रतीक्षा कीजिए, पास में एक अनंत सरोवर है, इसका नाम अनंत सरोवर भी था और विजय तीर्थ भी था। तो आप विजय तीर्थ और अनंत सरोवर में स्नान करके आइएगा, तो वहां पर वहां के जो एक कोना है, वहां से दिव्य गंगा है वो प्रभावित होती है। तो दिव्य गंगा और जो आप काशी में जाके स्नान करना चाहते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो जो मध्वाचार्य होते हैं, 3-4 दिन के पश्चात यहाँ पर आते हैं और अनंत तीर्थ और विजय तीर्थ में स्नान करते हैं। तो यहाँ पर हर 12 साल में ऐसा बताया जाता है कि दिव्य गंगा वो कोने से प्रभावित होती है। वहाँ भागीरथी, उनका भी बनाया गया है, विग्रह बनाए गए है ना, कि इस कोने से वो दिव्य गंगा प्रकट होती है। और मध्व सरोवर, मध्वाचार्य ने वहाँ स्नान किया, इसीलिए वो मध्व सरोवर के नाम से जाना जाता है। और बाद में उनके जो गुरु हैं अच्युत प्रेक्ष, वो भी नियमित रूप से यहाँ पर आकर स्नान करते हैं। ओके, फिर है जहां से हमने दर्शन किया था उसको बोलते हैं कनकान किड़ी, कनकान किंडी या किड़ी, किंडी किड्डी, किंडी किंडी, किंडी है ना, कनकान किंडी। वो संत कनकदास की खिड़की है ना, जहां से कनकदास को भगवान ने दर्शन दिए थे। तो और उसके सामने वहां पर एक गोपुरम बना है, अभी हम देखेंगे, उसको कनक गोपुरम बोलते हैं। वो अभी 2004 या 5 में ही बनाया गया है ना, आदमार मठ के एक जो स्वामी है उन्होंने ये बनाया। तो जो कनकदास थे है ना, उनका शूद्र कुल में जन्म हुआ था और वो यहाँ पर आकर पीछे, क्योंकि पश्चिमी भाग है और वो पूर्वी भाग है, तो पश्चिमी भाग में आकर यहाँ भजन गाया करते थे। तो एक बार वो भजन गाते हुए बोलते हैं सेवायनु कोड़ो हरिये बागी लानु तेरुड़ू, ये तुलु भाषा में होगा कि अपनी दिव्य दृष्टि मुझे प्रदान कर, मेरे लिए अपने मंदिर के द्वार खोल दो। इस तरह से कनकदास बोलते हैं। तो जो पीछे की दीवार थी वहां पर क्या होता है, क्रैक पड़ जाता है ना। और क्रैक पड़ने के कारण क्या होता है, अब भगवान घूम जाते हैं। अब भगवान घूमते हैं तो वो जो क्रैक होता है उससे कनकदास जी उडुपी कृष्ण के दर्शन करते हैं। और बाद में आने वाले जो आचार्य हैं उन्होंने वो जो पूरा क्रैक पड़ा हुआ था उसको काट देते हैं और वहां पर एक खिड़की बना देते हैं, और जो कनकाड़ किंडी के नाम से जानी जाती है। और एक बार ऐसा होता है कि जो कनकदास होते हैं वो चावल का एक मांड तैयार करते हैं, जो नारियल होता है, सूखा नारियल होता है, उसको काटते हैं, वो चावल बनाते हैं और चावल उसमें रखते हैं और उडुपी कृष्ण को अर्पण करते हैं। तो आगे चल के जो व्यास तीर्थ हैं वो ऐसा निश्चित करते हैं कि जब यहाँ पर जो 12 बजे का भोग लगता है भगवान को, तो उसमें चावल का मांड भी वो ऑफर किया जाता है, क्योंकि कनकदास जी चावल का एक सिंपल प्रिपरेशन उनको उडुपी कृष्ण को अर्पण किया करते थे। फिर जो उडुपी कृष्ण के विग्रह हैं उनका प्राकट्य कैसे हुआ उसके बारे में भी अलग अलग वृत्तांत है। तो इसमें बताया गया एक श्लोक है, कृष्णम वंदे मंथपाशधरम दिव्यार्काभकाकृतिम शिखाबंध त्रयोपेतम भैष्मी मध्वकरार्चितम। तो जो उडुपी कृष्ण है उनके एक हाथ में क्या है, दही को मथने वाली क्या है, मथनी है, छड़ी है, और एक हाथ में उनके हाथ क्या है, रस्सी है ना। और ग्वाले के रूप में वो खड़े हुए हैं और उनके जो केश हैं वो 3 गुच्छों से युक्त हैं। तो ये उडुपी कृष्ण का रूप है कि एक हाथ में दही मथने की छड़ी है, एक हाथ में रस्सी है और केश 3 गुच्छों में गुथे हुए हैं, और वो इस रूप में वो खड़े हुए हैं, बाल रूप में खड़े हुए हैं।
तो इसमें बताया गया है कि एक बार श्रीपाद मध्वाचार्य मालपे, जो समुद्र तट है मालपे बीच पर, वहां पर स्नान करके, आचमन करके और न्यास करके सुबह सुबह 2-3 बजे वहां पर बैठे हुए थे, है ना। और 1285 1285 में तो रात्रि का समय था, और उन्होंने कुछ स्रोतों की रचना की थी, इसको बोलते हैं द्वादश स्त्रोत्र, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर जब अभिषेकम होता है तो उसमें द्वादश स्त्रोत्रों को गाया जाता है, भगवान विष्णु और कृष्ण के उसमें गुणगान के बारे में बताया गया। तो जब वो द्वादश स्त्रोत्र गा रहे थे तो मध्वाचार्य को ऐसा लगा कि कुछ आज विशेष घटना होने वाली है ना, एक विशेष भगवान यहाँ पर प्रकट होने वाले हैं। तो उस समय एक व्यापारी जो है वो द्वारिका से आ रहा था, और उसमें बहुत सारा उसमें माल भरा हुआ था। और जब वो यहाँ पर इस क्षेत्र के पास में पहुंचा तो बहुत तेज आंधी और तूफान चला, बहुत तेज आंधी तूफान आया। तो जब आंधी तूफान आया तो जो मध्वाचार्य हैं वहां पर मालपे बीच पर ऐसे ध्यान में बैठे हुए थे, तो क्योंकि वो वायुदेव के अवतार है स्वयं, है ना, वायुदेव। तो वो क्या करते हैं कि जितनी वो आंधी और तूफान चला था वो ऐसे, है ना, ध्यान करते हैं और पूरे आंधी तूफान को अपने अंदर ले लेते हैं। और अपने अंदर लेने के कारण क्या होता है कि वहां का तूफान जो होता है वो पूरा एकदम शांत हो जाता है ना। तो जो जहाज के कैप्टन होता है वो बोलता है कि आप यहाँ पर थे आज मालपे द्वीप पर, इसीलिए ऐसा हुआ है कि हम बच गए हैं, लेकिन जो मेरा अनुभव है इतने वर्षों का जहाज को चलाते चलाते, कि इतना जो बड़ा तूफान आता है तो हमारा जहाज क्या है वो टूटने वाला होता, पूरा खत्म हो जाता और हम सबकी मृत्यु हो जाती। तो कैप्टन जो होता है बहुत प्रसन्न होता है और मध्वाचार्य के पास में जाता है कि हम आपको एक उपहार देना चाहते हैं, हम आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं। तो वो जो गिफ्ट उपहार था, तो मध्वाचार्य बोलते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, बोले हम द्वारिका से आ रहे हैं। तो आप क्या क्या लेके आए, बोले हमारे पास में गोपी चंदन है, बहुत बड़ी शिला है। तो बोलते हैं ठीक है आप मुझे वही दे दीजिए। तो मध्वाचार्य जो है बोलते हैं कि आप लेके आइए। तो 40 लोग, 40-50 लोग उस गोपी चंदन को उठाते हैं, लेकिन उनसे उठ ही नहीं पाता है ना, एकदम बहुत भारी होता है ना। और मध्वाचार्य आते हैं और ऐसे लेते हैं जैसे कोई रुई के बड़े गोले को उठा देता है, उस तरह से मध्वाचार्य उसे उठा देते हैं। तो मध्वाचार्य क्या थे, बहुत है ना स्ट्रोंग, है ना, स्वयं भीम है, हनुमान जी है। एक बार उन्होंने अपने एक मुक्के से शेर को मार दिया था, एक चीते को मार दिया था, और एक साथ उन्होंने 4,000 केले खाए थे, 4,000 केले एक साथ खाए, और 1,000 लीटर दूध पिया था। एक बार ऐसा होता है कि उनकी जो माँ होती है वो कहीं किसी कार्य से बाहर गई होती है, और वो बचपन में छोटे से थे, उनका अन्न प्राशन संस्कार नहीं हुआ होता, तो उनकी जो बड़ी सिस्टर होती है वो उनको ऐसे खिला रही होती, लालन पालन कर रही होती, लेकिन उनकी बहन की से वो चुप नहीं होते, बोले अब क्या किया जाए, चुप ही नहीं हो रहा है ना, ये तो इतना रो जा रहा है, रो जा रहा है। तो गायों को खिलाने के लिए कुछ अन्न था, तो अन्न प्रसन्न संस्कार तो नहीं हुआ था अभी तक, तो बोलते ठीक इसको कुछ खिला देते, इतनी भूख लगी है, जब तक तो मैं अपनी माँ को बुला के आती हूँ। तो गायों का एक जो बोरा रखा हुआ था उसमें से अन्न, वो बोरा उसको ऐसे गिराती हैं और थोड़ा सा अन्न वो उनका उनको दे देती है, वासुदेव नाम था। तो बहन जाती है माँ को बुला के आती है, तो जो बोरा था वो 40 किलो का था, वो 40 किलो अन्न खा गए। तो उनकी जो माँ होती है वो कि बहन को डांटती है कि क्या किया तुमने, एक तो तुमने गाय को जो देने वाला अन्न है वो खाया और 40 किलो खा गए। तो जो उनके उनकी जो भूख थी बहुत बहुत तेज थी, और वो कितना भी खिलाए उनको, उनकी माँ कितना भी खिलाए हमेशा वो भूखे रहते थे, हमेशा उनको भूखी सताती थी। तो बहुत वो स्ट्रांग थे ना, बहुत है ना। तो और उन्होंने जो मायावादी हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, केवल उनको वाद विवाद में नहीं हराया, उनसे कुश्तियां भी होती थी, मल्लयुद्ध होता था, है ना। वो खुद
एक्सरसाइज करते थे, है ना, अपना शरीर को एकदम चुस्त रखते थे, और लड़ते भी थे मायावादियों को उठा के फेंक दिया, बुद्धिस्ट को उठा के फेंक दिया, तो ऐसे फिजिकली वो लड़ते थे। तो उन्होंने जब गोपी चंदन को उठाया, और गोपी चंदन को उठा के साथ में वो ला रहे थे, तो वहां पर एक पास में गांव था जिसका नाम था ओड़ पांडी गांव, ओड़ पांडी। तो जब ओड़ पांडी गांव गांव के पास में पहुंचे, तो उस बड़े गोपी चंदन के में से एक छोटा सा भाग टूट गया, वो टूट के नीचे गिर गया। तो वो जो टूट के नीचे गिरा, उसमें जो विग्रह थे वो थे बड़ भांडेश्वर, बलराम जी के विग्रह थे। तो उन बलराम जी के विग्रहों को जो मालपे द्वीप है उसके पास में वहां मंदिर है, तो उसे बोलते हैं बड़ भांडेश्वर, वहां पर उन्होंने प्रतिष्ठित कर दिया। और यहाँ बताया जा रहा है कि जिस तरह से हनुमान जी ने, है ना, लक्ष्मण जी की रक्षा के लिए संजीवनी लेके आए थे, उसी तरह से मध्वाचार्य ने क्या किया, गोपी चंदन का पहाड़ पूरा अपने हाथ में उठा लिया। फिर आगे क्या होता है कि इस ये विग्रह हैं वो कैसे आए, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो यहाँ पर श्री रघुवर तीर बताते हैं, है ना, कि एक बार माता देवकी जो है, जो कृष्ण से ऐसे निवेदन करती हैं ऐसे कि मैंने तुम्हारी बाल लीलाओं को नहीं देखा, है ना, तो मैं तुम्हारी बाल लीलाओं को देखना चाहती हूँ। तो जो यशोदा माँ है उनका इतना सौभाग्य है कि उन्होंने तुम्हारी जो नटखट और शरारती जितनी लीला है वो सब देखी है, तो मैं ये तुम्हारी लीलाओं को देखना चाहती हूँ। तो जो द्वारिकाधीश होते हैं वो स्वयं को अपने आप को वृंदावन कृष्ण के रूप में ऐसे चेंज कर लेते हैं, मतलब बाल रूप में आ जाते हैं, है ना। और बाल रूप में आके क्या करते हैं, जैसे कार्य वो द्वारिका में करते थे वैसे ही कार्य वो यहाँ पर करने लगते हैं। तो वहां पे जो दही थे, है ना, दूध था, उसके मटके तोड़ना और दूसरों को दही बांटना, है ना, मक्खन बांटना, वो कार्य करना चालू कर देते हैं। और जो माता देवकी होती हैं यशोदा माँ के भाव में आकर उनको दंड देने का प्रयास करती है, और जब दंड देने का प्रयास करती है तो कृष्ण क्या करते हैं, जो छड़ी होती है दही को मटने वाली, वो छड़ी लेते हैं और तोड़ देते हैं, है ना, और अपने हाथ में क्या लिए होते हैं, रस्सी लिए होते हैं, है ना, जो होते हैं दही को हम मक्खन बनाते हैं, तो बीच में छड़ी होती है और रस्सी होती है, और ऐसे ऐसे बिलोया बिलोया जाता है उसको, है ना। तो एक हाथ में छड़ी ले लेते हैं, एक हाथ में रस्सी ले लेते हैं, और माता देवी की उनके पीछे भागती हैं भागती हैं भागती हैं, और भगवान क्या हो जाते हैं, अदृश्य जाते हैं, और फिर से द्वारिकाधीश के रूप में आ जाते हैं, है ना। तो माता जो देव की होती है कि आपका जो रूप है वो तो बहुत ही मनोहर रूप है, और ये तो मैं देखना चाहती हूँ, और रुक्मणी जी भी देख लेती हैं उस रूप को कि भगवान ऐसे छड़ी लिए हुए हैं रस्सी लिए हुए हैं, तो वो उस रूप को देखना चाहती है। तो भगवान क्या करते हैं, जो विश्वकर्मा है देवताओं के ना आर्किटेक्ट शिल्पकार, वो विश्वकर्मा को बुलाते हैं, और विश्वकर्मा क्या होते हैं, गंडकी नदी जो है नेपाल में वहां जाते हैं, और दो विशाल शालिग्राम शिला लेके आते हैं, और शालिग्राम शिला को वो करते हैं, उसके कार्विंग करते हैं, और इससे एक कृष्ण के विग्रह तैयार होते हैं और एक बलराम जी के विग्रह तैयार होते हैं। तो बलराम जी के विग्रह हैं उनमें क्या है, बलराम जी बाल रूप में है ना, और उनके एक हाथ में क्या है, मक्खन, हाथ में मक्खन लिए, और जो कृष्ण है उनके से छड़ी है और रस्सी है, और वो विग्रहों को वो माता रोहिणी को दे देते हैं। तो माता देवकी और रोहिणी जी रोज उनके विग्रहों की क्या करते हैं, सेवा करते हैं, आराधना करते हैं। तो जब द्वारिका डूबने वाली होती है ना, तो जो उन दोनों विग्रहों को कहाँ पर, एक रुक्मणी वन नाम की जगह थी द्वारिका में, वहां पर उस विग्रहों को छुपा दिया जाता है। और बाद में क्या होता है कि वो जहाज है, अभी वो द्वापर की बात है, जब जहाज है तब वो व्यापार करके आता है, तो मध्वाचार्य के प्रेमवश, यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ जो लिखा है, द्वारावतीम सकल राग भाग्यवती उपेक्षम गोपाल बाल ललना कर पूजनम चा वार्धि वधु गृहमत्य चा मध्वनाथो
यत्रास्ति तत् रजत पीठ पुरम गरिया। तो द्वारिका की संपत्ति को, गोपियों के आतिथ्य को और अपनी पत्नी के निवास स्थान समुद्र को छोड़कर मध्वाचार्य के बुलाने पर श्री कृष्ण ने अपने आप को द्वारिका से उडुपी क्षेत्र में रजत पीठ में स्थापित कर दिया। इसीलिए इस रजत पीठ की उडुपी क्षेत्र की जो यश है उसकी कोई सीमा नहीं है। इतना कि मध्वाचार्य के प्रयास से उडुपी कृष्ण जो स्वयं है ना द्वारिकाधीश हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो उसके बाद मध्वाचार्य जो है गोपी चंदन लेके यहाँ पर आते हैं, गोपी चंदन टूटता है और वहां पर जो स्थापित उनको कर दिया, उडुपी कृष्ण विग्रह को यहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है। तो यहाँ जो विग्रह की पूजा आराधना होती है वो पंचरात्र के अनुसार होती है, पंचरात्र विधि के अनुसार होती है, आगम शास्त्र है ना। एक होते हैं निगम, एक होता है आगम। निगम मतलब क्या होता है? निगम कल्प तरु गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। निगम मतलब इस भौतिक जगत से कैसे निकला जाए, वो शास्त्र है निगम शास्त्र। निगम कल्प तरु गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। और आगम शास्त्र क्या है कि इस संसार में कैसे भगवान की सेवा की जाए, वो है आगम शास्त्र है ना। तो निगम में सबसे टॉप मोस्ट स्क्रिप्चर क्या है? श्रीमद् भागवत। और आगम शास्त्र में क्या आते हैं? पंचरात्रिक विधि कि भगवान की सेवा इस भौतिक जगत में कैसे की। आगमन मतलब भगवान का हमने वो किया, आगमन आवाहन किया और भगवान इस भौतिक जगत में आए। और जब भगवान इस भौतिक जगत में आए तो आने के बाद कैसे उनकी आराधना की जाए वो आगम शास्त्रों में बताई गई, पंचरात्रिक विधि। तो जो श्री वैष्णव संप्रदाय है वहां पे जो आगम शास्त्र है और जो मध्व संप्रदाय है उसमें आगम शास्त्र है, उनमें थोड़ा सा क्या है, भेद है, थोड़े से अलग है। और हमारे लिए जो आगम शास्त्र है, जो इस्कॉन में आगम शास्त्र है, वो क्या है? प्रभुपाद जी के निर्देश, प्रभुपाद जी के लेटर, प्रभुपाद जी की बुक्स, प्रभुपाद जी की कन्वर्सेशन, वो हमारे लिए, वो हमारे पंचरात्र आगम शास्त्र। तो यहाँ पर पूरे दिन में जो पूजा विधि की जाती है वो कितनी होती है? 16 होती है। यहाँ पर 16 आराधना की जाती है जिसमें से 14 जो है वो मुख्य है, 14 विधियों को मुख्य बताया जाता है। और और ये जो मंदिर है ये इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है कि कैसे 8 मठ मिलके है ना सहयोग करते हुए है ना एक अनुशासन से, दृढ़ता से, उत्साह से सब मिलकर उडुपी कृष्ण की सेवा करते हैं। तो मध्वाचार्य ने ये सिस्टम यहाँ पे बनाया कि हर मठ को 2-2 साल के लिए यहाँ पर सेवा करने का अवसर दिया जाएगा। तो इन पूजाओं को 2 भागों में बांटा गया। सुबह की पूजा, 10 पूजा सुबह होती है, सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक, और शाम की 4 पूजा होती है, सुबह 10 और शाम को 4। और उसमें कुछ पूजाएं जो होती हैं जो पर्याय स्वामी होते हैं, जो मुख्य है ना, जिनका पर्याय चल रहा होता है, उसके जो मुख्य मठ के मठाधीश होते हैं उनको ही करनी होती, वो फिक्स है, वो पूजा वही करेंगे और कोई नहीं करेंगे। और बाकी पूजा होती है उनके जो सहायक हैं है ना, वो भी उन पूजाओं को कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग पूजाओं के नाम बताए गए हैं है ना, कि जो आज हमने दर्शन किया था वो थी निर्मालय, निर्माल्य विसर्जन पूजा, सुबह 5 बजे की पूजा है ना। और इसमें बहुत विस्तार से बताया गया, बहुत विस्तार से पूजा बताई गई है ना, कि भगवान का अभिषेकम कैसे करना है, फिर नैवेद्य कैसे अर्पण करना है, उनकी आरती कैसे करना है, नैवेद्य में किन वस्तुओं का ध्यान रखना है, अभिषेकम में किस किन वस्तुओं का ध्यान रखना है। जब अभिषेकम किया जा रहा है तो अलग अलग सूक्त है ना, वायु सूक्त है ना, पुरुष सूक्त, अलग अलग उनका उच्चारण किया जाता है, उनका आवाहन किया जाता है ना। और पवन सूक्त है ना, और जैसे फिर उषा काल पूजा होती है, गो पूजा होती है, इस तरह से गायों की पूजा की जाती है 6:15 बजे। और एक जो विशेष पूजा होती है वो होती है अलंकार पूजा, जो सुबह 8:30 बजे होती है। उस अलंकार पूजा में क्या होता है कि भगवान को बिल्कुल शुद्ध सोने से, 24 कैरेट के सोने से पूरा सजाया जाता
ना, पूरा उनका मुकुट, उनके अंगूठी, उनके बाजूबंद है ना, उनके पैर, उनका पूरा ड्रेस एकदम सोने से अलंकृत होता है। और सबसे जो विशेष पूजा होती है वो 11 बजे होती है, उसको बोलते हैं महापूजा। और जब मध्वाचार्य ने जो उडुपी कृष्ण जब उनको स्थापित किया था तो द्वादश स्त्रोत गाए थे है ना, अलग अलग उस स्त्रोतों का उन्होंने रचना किया था। तो वो भी जब महापूजा होती है 11 बजे की पूजा, उस समय भी द्वादश स्त्रोतों को गाया जाता है। और संध्या को चावर सेवा होती है, रंग पूजा, रात्रि पूजा और एकांत शयनोत्सव पूजा। तो ये एक बहुत ही हम बोल सकते हैं एक बहुत विशेष जगह है जहां पर अर्चन, क्योंकि मध्वाचार्य जो है जो स्थापित करने आए थे है ना, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने मध्व संप्रदाय में आने को स्वीकार किया, उसका एक विशेष कारण था कि मध्वाचार्य दो चीजों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एक तो है खंडन, मायावाद खंडन, कि भगवान एक व्यक्ति है, भगवान के पर्सनल फॉर्म को स्थापित करना वो मध्वाचार्य ने किया था। और दूसरा क्या है कि भगवान के पर्सनल फॉर्म की कैसे पूजा किया जाए, उसको बोलते हैं मंडन। तो खंडन मंडन ये चैतन्य महाप्रभु ने मध्व संप्रदाय से लिया। खंडन किस बात का, निराकार निर्विशेष का खंडन है ना, क्योंकि ये सबसे बड़ा शत्रु है ना। मायावाद भाष सुन ले होए सर्वनाश। और चैतन्य महाप्रभु ने भी मध्व संप्रदाय में आना क्यों स्वीकार क्यों किया, क्योंकि जब तक हृदय से मायावाद का जो दूषण है वो नहीं निकलेगा, भगवान के जो व्यक्तिगत रूप है, पर्सनल फॉर्म है, वो स्थापित नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए मध्वाचार्य है ना ऐसे, तो फिंगर है यहाँ पर, ये उसमें ध्यान मुद्रा है, अलग अलग मुद्रा होती है, ध्यान मुद्रा, आशीर्वाद मुद्रा है ना। तो मध्वाचार्य क्या है, ऐसे दो उंगली की है, क्या है जो ईश्वर क्या है वो स्वतंत्र है और जीव क्या है परतंत्र है ना। हरि सर्वोत्तम, वायु जीवोत्तम, जो हरि है वो सर्वोत्तम है और जीव में सबसे उत्तम कौन है, वायु है ना। तो मध्वाचार्य का एक नाम क्या है, मुख्य प्राण है ना। तो जो आत्मा है, जो हम सब आत्मा है, और जो आत्मा जो रहती है शरीर में रहती है, उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, प्राण है ना, प्राण वायु, अलग अलग तरह की वायु, प्राण वायु। इसीलिए बहुत ये फेमस बताया जाता है, सबसे सर्वोत्तम कौन है, हरि, और जीवों में सबसे उत्तम कौन है, वायुदेव है ना। तो यहाँ पर जो चैतन्य महाप्रभु का मीटिंग हुआ था मध्वाचार्य के साथ, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने नवदीप धाम महात्म्य लिखा है। तो मध्वाचार्य जब सब जगह जाते हैं प्रचार करने के लिए जाते हैं, तो नवदीप में पहुंचते हैं, और नवदीप में पहुंचते समय उनका एक पर्सनल मीटिंग होता है चैतन्य महाप्रभु के साथ। तो चैतन्य महाप्रभु वहां बोलते हैं कि अभी मैं प्रकट नहीं हुआ हूँ नवदीप में, मैं अभी तक आया नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूँ जो आपने कार्य किया है, कि जो पूरा निराकार निर्विशेष छाया, मतलब पूरा कुसिद्धांत फैला हुआ था, जो शंकराचार्य फैला के आए थे, उसने उसका आपने खंडन कर दिया। आपने भगवान एक व्यक्ति है, भगवान का एक व्यक्तिगत रूप है, इसको स्थापित किया है, इससे मैं आपसे इतना प्रसन्न हूँ कि मैं आपके संप्रदाय में कुछ समय के पश्चात यहाँ पर नवदीप में आऊंगा। ऐसा एक सीक्रेट मीटिंग होता है, भक्तिमोहन ठाकुर बताते हैं। और एक मीटिंग के बारे में और बताते हैं कि चारों संप्रदाय के आचार्य जो होते हैं चैतन्य महाप्रभु के साथ मीटिंग करते हैं कि किस तरह से कृष्ण भावनामृत का साम्राज्य को स्थापित किया जाएगा, किस तरह से कृष्ण भावनामृत को फैलाया जाएगा है ना। तो वहां पर चर्चा होती है कि कैसे लोग वेदों के नाम पर पशु हत्या कर रहे होते हैं, वेदों के नाम पर जीवों की हत्या कर रहे होते हैं। तो भगवान बुद्ध आते हैं, अब भगवान बुद्ध क्या करते हैं, जो पशुओं की हत्या होती है उसको रोक देते हैं और वेदों को रिजेक्ट कर देते हैं है ना, बोलते हैं कि आप मेरी शरण में आओ है ना। तो बुद्ध अवतार क्या करते हैं कि कुछ कुछ समय के लिए, कुछ क्षणिक काल के लिए, एक थोड़े से टाइम के लिए पशु हत्या को बंद कर देते हैं। लेकिन उससे नुकसान क्या होता है कि जो वेदों की स्थापना होना होती है वो वेद को रिजेक्ट कर देते हैं। तो फिर
जो शिव जी को आदेश देते हैं भगवान विष्णु, जो कि पद्म पुराण में बताया गया है ना, मायावाद अस शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्ध उच्चते मय्येव विहितम देवी कलो ब्राह्मण मूर्तिना, कि एक बहुत कठिन काम दिया जाता है शिव जी को। वो पार्वती जी से बोलते हैं कि एक मैं ब्राह्मण के रूप में कलयुग में आऊंगा, और मायावाद असत शास्त्र, कि ये जो असत शास्त्र है मायावाद उसको मैं फैलाऊंगा। प्रच्छन्नम बौद्ध उच्चते, जो कवर्ड बुद्धिज्म, वास्तव में जो शंकराचार्य का उद्देश्य था कि लोगों की वेदों में श्रद्धा बैठ जाए, लेकिन वो क्या है, कवर्ड बुद्धिज्म है, मतलब एक तरह से नास्तिकवादी है ना। तो वो नास्तिकवाद से, मायावाद से और बुद्धवाद से सब लोग घिरे हुए थे। तो फिर मध्वाचार्य यहाँ पर आते हैं, रामानुजाचार्य आते हैं, और भी आचार्य आते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो इस तरह से पूरा बैकग्राउंड तैयार होता है और चैतन्य महाप्रभु आना स्वीकार करते हैं। तो और भगवान का व्यक्तिगत फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पर अर्चन बहुत अच्छे से किया जाता है। 14-16 तरह के पूरे विधि विधान किए जाते हैं। तो अभी आगे चल के हम भी राधा वल्लभ जी आने वाले हैं हमारे मंदिर में, है ना, तो हम प्रार्थना करें कि अर्चन में जो भी सब बारीकियां हैं उसको अच्छे से समझें, मंत्र उच्चारण है उसको समझें, सुचि मुचि के नियम है उसको हम समझें, है ना। और जिस तरह से एकदम पक्का तरीके से जो विग्रहों की सेवा की जाती है, जिस तरह से यहाँ पे स्थापित की है, उस तरह से हम प्रेरणा लेके हम जाएं और राधा वल्लभ जी की सेवा कर पाए। तो ये इस उडुपी क्षेत्र के बारे में सामान्य एक विवरण था, वो हमने देखा। फिर अगले प्रवचन में हम जो मध्वाचार्य के जीवन है और जो पाजक क्षेत्र, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।